यहाँ पे मैंने शायद फीडबैक रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी लगा लिया, यहाँ पे मैंने वर्चुअल ग्राउंड का मेथड भी लगा लिया और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के मेथड को भी अप्लाई कर लिया। अब मुझे बेसिकली क्या करना है कि सब पैरामीटर्स के बारे में मुझे मालूम है, मुझे ये भी मालूम है कि मैंने जो इनपुट सोर्स अप्लाई किया है, जो इनपुट वोल्टेज दिया उसके बारे में भी मुझे मालूम है। अब इनपुट वोल्टेज को अप्लाई करके सारी की सारी कंस्ट्रक्शन करने के बाद बेसिकली काम मेरा ये है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पास जो वोल्टेज गेन आएगा वी नॉट डिवाइड बाई वी आई, जो कि हमारे पास एम्पलीफायर के केस में आया था, जिसे हम लोगों ने ए वी कहा था, वो इस केस में हमारे पास किस फॉर्म में आता है। हम लोगों को यहाँ पे मालूम करना है अपना वोल्टेज गेन कि हमारा वोल्टेज गेन जो है इस फॉर्म में किस किस्म का निकलता है, कितना निकलता है। अब हमें ये तो मालूम है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आर वन लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है इस रेजिस्टेंस और आर एफ के बारे में मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू मालूम होंगी, लेकिन इस आर वन के अंदर से गुजरने वाला करंट आई वन नहीं मालूम। उस आई वन को मालूम करने के लिए मैं ओम्स लॉ यूज़ करूँगी। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी चीज़ का भी वोल्टेज अगर आपको गिवन हो तो उस वोल्टेज को, वो जो वोल्टेज होता है उसके थ्रू आप उसका करंट और रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में मालूम ले सकते हैं। अगर तो आपको रेजिस्टेंस के बारे में मालूम है तो यहाँ पे मुझे वोल्टेज के बारे में भी मालूम है कि वोल्टेज जो है मेरा इनपुट वोल्टेज है, रेजिस्टेंस जो है वो आर वन है जो मैंने अप्लाई की होगी, और इसके थ्रू मुझे मालूम करना है आई वन करंट के, आई वन करंट कितना है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि आई वन करंट और यहाँ पर मेरे पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा कि वो कितना है डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आर वन। अब चूंकि हम लोग वोल्टेज की बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम लोग इसके अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस बात कर रहे हैं। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वी इनपुट है और वी नेगेटिव की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। हमें मालूम है कि वी आई जो है हमारी सोर्स की वोल्टेज है, इसके बाद हमारे पास वी नेगेटिव आएगा डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आर वन और ये हमारे पास आई वन करंट है। वी नेगेटिव जो है वर्चुअल ग्राउंड मेथड के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे जीरो हो जाती है, तो यहाँ पे वी आई मैं जीरो लगा सकती हूँ डिवाइडेड बाई आर वन, तो ये मुझे वैल्यू दे देगा आई वन करंट के लिए कि आई वन करंट की जो वैल्यू है वो बेसिकली हमारे पास वी वन डिवाइडेड बाई आर वन है। ये जो वी वन है इसे बेसिकली हम लोग वी आई कहते हैं, जो कि हमारे इनपुट वोल्टेज है, इसे हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये वी आई है। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक दूसरी रेजिस्टेंस भी यूज़ की है जिसे हम लोग आर एफ यानी फीडबैक रेजिस्टेंस कह रहे हैं या आर टू कह रहे हैं। इस रेजिस्टेंस के अंदर से भी कोई ना कोई वोल्टेज जो है वो गुजर रहा है। इसके अंदर से गुजरने वाला वोल्टेज जो है वो एक तो हमारा वी नॉट वोल्टेज है और दूसरा हमारे पास वी नेगेटिव वोल्टेज है। तो अगर हम लोगों को इसके अंदर से गुजरने वाले करंट के बारे में बताना हो तो हम कहेंगे कि आई टू करंट जो है हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई आर टू। ये जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है इसे इस केस में हम लोग लिख सकते हैं कि ये हमारे पास माइनस वी नॉट के इक्वल आ जाता है डिवाइडेड बाय आर टू। हमें मालूम है कि वी नेगेटिव जो है हमारे पास जीरो है, माइनस वी नॉट यहाँ पर आ जाता है डिवाइडेड बाय आर टू, तो ये वाला जो हमारे पास फंक्शन बन जाता है अगर माइनस साइन को हम लोग निगलेक्ट करें तो ये हमारे पास वी नॉट डिवाइडेड बाय आर टू आ जाता है, जो कि हमें आई टू करंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब हम लोगों ने जो है किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़ा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर किरचॉफ करंट रूल लगाऊं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, समीशन ऑफ करंट जो है हमारे पास जीरो होना चाहिए। अगर समीशन ऑफ करंट जीरो है तो इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि आई वन करंट जो है वो इक्वल्स टू आई टू है, क्योंकि अगर आई वन बराबर है आई टू के तभी तो आई वन माइनस आई टू इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि आई वन करंट जो है वो आई टू करंट के बराबर है, और आई वन के लिए जो हमारे पास रिलेशनशिप निकला है वो हमारे पास आया है वी आई डिवाइडेड बाई आर वन, और इसी तरीके से जो हमारे पास आई टू के बारे में रिलेशनशिप निकला है वो हमारे पास आया माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई आर टू। अगर मैं रेजिस्टेंस को एक साइड पे कर लूँ और वोल्टेज को एक साइड पे कर लूँ तो ये मुझे वोल्टेज गेन के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ वी नॉट डिवाइडेड बाई ई आई हमारे पास वोल्टेज गेन के इक्वल है, तो यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस के बारे में जो रिलेशनशिप आ जाएगा वो आर टू डिवाइडेड बाई आर वन और यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं कह सकती हूँ कि जो मेरे पास वोल्टेज गेन आया है इस वोल्टेज गेन को मैं जी के इक्वल लिख सकती हूँ, और इसे मैं माइनस आर टू डिवाइडेड बाई आर वन के केस की तरफ लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब है जब भी हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इस तरीके से यूज़ करें कि इसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ कर रहे हों, तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो वोल्टेज गेन जी की वैल्यू आती है वो इन दोनों रेजिस्टेंस की रेशियो के इक्वल आती है। मतलब जो हमारे पास फीडबैक की रेजिस्टेंस है, बेसिकली ये हमारे पास फीडबैक रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाय आर वन जो हम लोगों ने अप्लाई की है, उसकी रेशियो के इक्वल आ जाती है अगर हम लोगों ने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ किया है। तो अभी तक हम लोगों ने एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा है और एम्पलीफायर के साथ साथ हम लोगों ने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को देखा है। हम लोग अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इस तरीके से पढ़ते हैं कि हम देखते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम किस तरीके से एज अ नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये हमारे पास वी नॉट आउटपुट होता है जो वोल्टेज में गेन होता है, जिसे हम वोल्टेज गेन कहते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास दो जो है पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, जो कि
हमारे पास इनपुट वोल्टेज होते हैं, बेसिकली ये हमारे पास जो है वी नेगेटिव और वी पॉजिटिव होते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल सा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसे कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ करना चाहते हैं एज ए इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहले ये कहना चाह रहे हैं कि हमें ये एज ए इन्वर्टिंग टर्मिनल के तौर पर यूज़ करना है, मतलब कि एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ करना है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? उसके लिए करना हमें ये पड़ता है कि हम लोगों को जो है एक एसी सोर्स के साथ जो है वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ता है। उस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज है। इस वोल्टेज को हम क्या करते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पर इस वोल्टेज को यहाँ तक जो है सप्लाई करते हैं, ये हमारा इनपुट वोल्टेज है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वर्चुअल ग्राउंड का मेथड। वर्चुअल ग्राउंड के मेथड के अकॉर्डिंग हमें जो है अपने पॉजिटिव टर्मिनल को यानी कि वी पॉजिटिव को क्या करना पड़ता है, अट के साथ ग्राउंड करना पड़ता है। इस तरीके से हम ग्राउंड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वर्चुअल ग्राउंड का मेथड हमारे पास ये था कि वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव हो तो ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू जीरो आते हैं। होता तो बेसिकली वी पॉजिटिव है जो कि ग्राउंड किया जाता है, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन की वजह से क्या होता है कि वी नेगेटिव जो है उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। अब हम कहते हैं इसी तो हमें मालूम है कि ये वर्चुअल ग्राउंड का मेथड है। अब हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने वर्चुअल ग्राउंड का मेथड भी अपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ लगा लिया, हम लोगों ने इसी एक इंड्यू जो है हमारे पास इनपुट वोल्टेज वो भी प्रोवाइड कर दिया। अब हम कुछ रेजिस्टेंस अप्लाई कर लेते हैं। कुछ रेजिस्टेंस जो है हम लोग इसको जो है इनपुट वोल्टेज के साथ प्रोवाइड कर देंगे, जिसे हम लोग R1 कहेंगे, चूँकि हम लोगों ने ये इनपुट वोल्टेज के साथ अप्लाई किए। अब अगर यहाँ पे मैं फीडबैक रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँ, तो फीडबैक रेजिस्टेंस ये कहती है कि उसका एक टर्मिनल जो है इनपुट वोल्टेज के साथ कनेक्टेड होना चाहिए और एक टर्मिनल उस रेजिस्टेंस का आउटपुट वोल्टेज के साथ कनेक्ट होना चाहिए। ऐसी रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं कि ये फीडबैक रेजिस्टेंस है, या ये हमारे पास R2 रेजिस्टेंस होगी इस सर्किट के अकॉर्डिंग। तो ये जो हमारे पास सर्किट है यहाँ पर ये कम्प्लीट हो जाता है। अब हम लोगों ने इसे यूज़ करना है एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर। अब मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ कि वी पॉजिटिव जो है, वी पॉजिटिव के बारे में मुझे ये इन्फॉर्मेशन है कि ये तो डेफिनेटली ज़ीरो हो चुका है, और ये जो मेरे पास वी नेगेटिव है, वी नेगेटिव के बारे में मुझे ये पता है कि वी पॉजिटिव जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू वी नेगेटिव है और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू ज़ीरो है। मुझे वी नेगेटिव के बारे में ये इन्फॉर्मेशन थी अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड मेथड के। तो वी पॉजिटिव के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आ गई और वी नेगेटिव के बारे में भी। अब इस सर्किट के अंदर मुझे जो है सोर्स की वोल्टेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, मुझे इनपुट रेजिस्टेंस के बारे में भी पता है, मुझे फीडबैक रेजिस्टेंस के बारे में भी पता है, और मुझे ये भी मालूम है कि मेरा वी पॉजिटिव जो है आपके साथ ग्राउंड है। अब बेसिकली मुझे करना क्या है,